नमस्कार। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में विभिन्न मुद्दों को लेकर भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। धरने पर पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव पालियान को निशाने पर लिया है। रॉयल बुलेटिन डॉट इन के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में किसानों के बलबूते पर भाजपा ने अपनी सरकार एवं वर्चस्व कायम रखने में सफलता हासिल की, लेकिन आज उसी किसान को दरकिनार करते हुए केवल अपने विकास के बारे में सोचा जा रहा है। खादर क्षेत्र में किसानों की पट्टे पर ली गई जमीन पर केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा काउ सेंचुरी बनवाने की प्रक्रिया जारी है, जो बहुत ही गलत है। पट्टे की जमीन लेकर अपने घर परिवार का लालन पालन करने वाले किसानों के पेट पर लात मारने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। यदि सरकार कुछ करना चाहती है या संजीव बालियान किसानों को आवारा पशुओं से राहत दिलाना चाहते हैं, तो अपने गांव कुटबी या उसके आसपास के गांव में काउ सेंचुरी को बनवा सकते हैं। टिकैत बोले कि कुटबी में भी पट्टे की काफी जमीन पड़ी हुई है और वहां पर बंजर जमीन भी है, जिसमें काउ सेंचुरी के तहत आवारा पशुओं के रहने का ठिकाना आराम से बन सकता है। आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री केवल किसानों का शोषण करने पर तुले हुए हैं।